जब भी पेशेंट रात में दिन में कभी भी कॉल करता है हमें तुरंत जाना होता है। मतलब एक तरीके से हम क्या नौकर बना रखे गए। नौकर भी सैलरी लेता है, खाना भी टाइम पे खाता है, हम खाना भी नहीं खा पाते। कहीं भी चले जाए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती कि हम बैठ जाए। एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत काम करने के बावजूद भी स्कीम वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को या फिर आंगनबाड़ी जो भी हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। हमें एक दर्जा मिलना चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो एक आम काम करने वाले वर्कर को मिलता है। मैंने इंटरेस्टिंगली देखे तो इस काम में ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएँ हैं और ये कहा जाता है कि आप सेवा के नाम पर आपको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन जो लागू होना चाहिए, कोई न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और न्यूनतम हमारे वेतन फिक्स होना चाहिए। अगर 13,500 है तो 13,500 उनको न्यूनतम वेतन फिक्स करना चाहिए हमारा। इनके लिए कोई ईएसआई पीएफ की सुविधा नहीं है। काम के घंटे से लेकर के किस तरह का काम इनके काम के दायरे में आता है या नहीं आता है, मैंने हर तरह का काम जो भी सरकार चाहती है, टीकाकरण करवाना हर बच्चे का जन्म से लेकर 5 साल तक, प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग से 9 मंथ तक पूरा केयरिंग करना, फिर उनका फैमिली प्लानिंग, उसके बाद बीपी शुगर के मरीज़ तो नहीं है फॉलोअप कराना, उनका चेकअप कराना, टीबी के मरीज़ तो नहीं है फैमिली में उनका चेकअप। लेकिन इसके एवज में जो बेसिक न्यूनतम मजदूरी जो किसी भी दिल्ली में काम करने वाले मजदूर का अधिकार होना चाहिए उनका नहीं है। कि अलग अलग अस्पतालों में जो उनके साथ इनसेंसिटिव बिहेवियर होता है आशा वर्कर्स के साथ, मैंने बदतमीजी से बात करने से लेकर के हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देना डॉक्टर या ऊपर के कर्मचारियों के द्वारा, इनमें इज्जत नहीं करती हैं, पेशेंटों के सामने झाड़ देती हैं और बेइज्जती कर देती हैं। क्या हम मेहनत नहीं करते? इनमें से ज्यादा हम आशा वर्कर मेहनत करते हैं। जो आज हमें आशा वर्कर है दिल्ली कितनी स्वस्थ हुई है। आठ से ज्वाइन किया था तो 10 साल हो गए हमें वर्क करते करते, और तब तो हमें 500 रुपये इंसेंटिव समाज सेवा करने के लिए 500 रुपये के लिए बोला था, मंथली 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया, 500 से सिर्फ 1500 रुपये हुए हैं आज। ये सामंती राज है, ये सामंती राज है, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का ही एक तरीके से जो आंख मिचोली का गेम है कि दोनों ही एक दूसरे के कोर्ट में फुटबॉल फेंक रहे हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। डबल इंसेंटिव के लिए न्यूज़पेपर में आया है, 20,000 ने हमें बोला था कि आपका जो इंसेंटिव है डबल कर दिया जाएगा, 1,500 की जगह 3,000 कर दिया जाएगा, जितना भी आपका कोर एक्टिव अक्टूबर से किया जाएगा 2018 से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पुराने पे ही चल रहा है 1500 पे, 1500 अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने कैबिनेट में मतलब बोला है कि आपका डबल हो गया, ऐसे न्यूज में यूट्यूब में हर एक जगह उसमें न्यूज सब में आ गया आपका डबल हो गया इंसेंटिव। लेकिन जो हमारा अभी वाउचर बना है जस्ट ये मई का जो वाउचर बना है वो पुराने उस पे ही बना। हम सोते रहेंगे, फोन आ गया, दीदी आ जाओ, हम तुरंत बच्चे छोड़ के जाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, पूरा काम करवाते हैं, जब भी वो कागज लोग नहीं देते तो पैसे काट लेते हैं। सरकार एक तो रोटी का टुकड़ा नहीं फेंके, जो उनका एक वर्कर होने के तहत उनका जो राइट है वो राइट उनको मिलना चाहिए। बात ये नहीं है कि 3,000 होगा कि 4,000 होगा, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वेजेस लागू है वो मिनिमम वेजेस दिल्ली के हर एक वर्कर का राइट है, वो दिल्ली के आशा वर्कर्स का भी राइट है, उनको मिलना चाहिए। होश में आओ, होश में आओ, होश।